हेलो दोस्तों, अवधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल स्टडीज़ पेपर 4 जो कि एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर है, इसके अंदर एक टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, उनको हम सॉल्व करेंगे और इसकी मदद से आप सीख पाएंगे कि कैसे जो है आप जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप कैसे टैकल करें। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं उस क्वेश्चन पे जो कि सिविल सर्विसेज में 2013 में पूछा गया था और ये इस प्रकार से था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज़ एंड एथिक्स, इन व्हाट वे इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विथ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। देखिए, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा क्रिएटिविटी मांगता है, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, एथिक्स के बारे में जानते हैं क्योंकि वे स्ट्रेट वे हमारे सिलेबस में है, उनके बारे में तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन एथिक्स के साथ साथ में प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना क्यों ज़रूरी है, ये नॉर्मली जो है आपको हो सकता है सिलेबस में कवर नहीं हो और ये आपको अपने जो इमेजिनेशन है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं और वहाँ पे आप कैसे सोचते हैं और क्विक थिंकिंग कैसे करते हैं, उसके बेसिस पे आपको ये आंसर देना है। तो सबसे पहले देखिए, यह है कि इस क्वेश्चन को हम डिवाइड कर लेते हैं सब पार्ट में, जैसे कि एक पार्ट हुआ कि व्हाट इज़ वैल्यू, दूसरा पार्ट हो गया व्हाट इज़ एथिक्स, और तीसरा पार्ट ये हो गया कि आपको एथिक्स होने के साथ साथ में प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना क्यों ज़रूरी है। तो जब ये तीनों पार्ट हमारे सामने आ गए, तब हम अब इसका जो है आंसर हम लिखते हैं और ये आंसर हमें करीब 150 वर्ड्स में लिखना है। तो इसलिए समय के साथ साथ में वर्ड लिमिट का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए हम इस सवाल का जवाब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें वैल्यू को डिफ़ाइन करना होगा, एथिक्स को डिफ़ाइन करना होगा। तो वैल्यू की डेफिनेशन हमें मालूम है कि वैल्यू मीन्स द प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड वंस जजमेंट ऑफ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, इट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। देखिए, जो वैल्यूज़ होती हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ कम इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी इम्पॉर्टेंस नहीं होती है। जैसे कि बाज़ार में आप कोई भी सामान परचेज करने जाते हैं तो हर चीज़ की वैल्यू होती है, कोई भी चीज़ फ्री में अवेलेबल नहीं होती है, किसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, किसी की वैल्यू कम होती है। उसी तरीके से ज़िंदगी में कुछ चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू होती है, कुछ चीज़ों की कम वैल्यू होती है। जैसे सच बोलने की ज़्यादा वैल्यू है, झूठ बोलने की कम वैल्यू है, और हम कोशिशें करते हैं कि वैल्यूज़ को मैक्सिमाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें और कम से कम जो है बुरे काम करें। जिनकी वैल्यूज़ कम होती है उसको हम बुरा कहते हैं, जिसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है उसको हम अच्छा कहते हैं। तो ये हो गई वैल्यू की डेफिनेशन। अब हम एथिक्स की डेफिनेशन आते हैं। एथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इन्वॉल्व्स सिस्टमेटाइजिंग, डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। तो जैसा कि मालूम है कि एथिक्स एक जो है फिलोसफी की ब्रांच होती है और इसमें पूरी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वैल्यू और एथिक्स में देखिए एक फ़र्क ये हो जाता है कि वैल्यू के अंदर जो है कोई भी चीज़ जीरो या वन पे नहीं रहती, मतलब 100% या 0% नहीं रहती है, कोई चीज़ रिलेटिव ग्रेडिंग से मेज़र की जाती है। जबकि एथिक्स के अंदर या तो सही है या गलत है, तो एथिक्स के अंदर राइट एंड रॉन्ग होता है, जबकि वैल्यूज़ के अंदर आपको इम्पॉर्टेंस को रिलेटिव जो है ग्रेडिंग देनी होती है, क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ कम इम्पॉर्टेंट है। अब जब आप एक अच्छा काम करना चाहते हैं, सोसाइटी के अच्छा सिटीज़न होना चाहते हैं, एक जगह आप अच्छी प्रोफेशनल जहाँ पे जिस जॉब में है वहाँ पे एक अच्छा काम करना चाहते हैं, तो एथिक्स जो है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। एथिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एथिक्स इज़ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशियंट कंडीशन फॉर द राइट कंडक्ट। मतलब अगर आप अनएथिकल हैं तो आप अच्छा काम नहीं है। जैसे जो कोई आदमी करप्ट ऑफिसर है तो वो तो अच्छा काम नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ ईमानदार हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा काम कर पाएंगे। ईमानदार होने के साथ साथ में दूसरी चीज़ ज़रूरी है कि आपको प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। जैसे अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं और अगर एक अच्छे तरीके से आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते हैं, चार्जशीट नहीं फाइल कर पाते हैं, तो आपका चाहे जितना भी अच्छा इरादा हो, आपका केस जो है वो कोर्ट में सक्सीड नहीं करेगा, आप सफलता नहीं पा पाएंगे। यही बात एक डॉक्टर के लिए लागू होती है, यही बात एक टैक्स कलेक्टर के लिए लागू होती है। इन सभी लोगों को जो है प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना भी बहुत ज़रूरी है एथिक्स के साथ में। अगर वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है तो कई बार अच्छा करने के चक्कर में वो बुरा भी कर सकते हैं। तो आपने किसी को मतलब जैसे कि अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, आपका इरादा भी बहुत अच्छा है और आप बहुत ऑनेस्ट भी हैं, लेकिन अगर आपको अपनी मेडिसिन प्रोफेशन ठीक से नहीं आता है तो आप जो है हो सकता है कि नुकसान कर जाएं अपने पेशेंट का। तो इस तरीके से दोस्तों, एथिक्स होने के साथ साथ में प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना भी बहुत ज़रूरी है और इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं।
अब चलिए हम दूसरे सवाल पे आते हैं जो कि सिविल सर्विसेज में 2015 में पूछा गया था और वो था एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। आप ये एक्सप्लेन करिए कि जो एथिक्स होता है वो सोशल और ह्यूमन वेलबींग में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, कैसे उसको बढ़ाता है। अब ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि एथिक्स के बारे में हम जानते हैं क्या है, लेकिन एथिक्स का इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी पे और इंडिविजुअल पे, ये आपसे इसमें पूछा जा रहा है। कैसे वो हमें अच्छा बनाता है, अच्छी सोसाइटी बनाता है, अच्छा इंसान बनाता है। तो फिर हम वही करेंगे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें देखिए सब डिवीज़न करेंगे तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, व्हाट इज़ एथिक्स, व्हाट इज़ सोशल वेलबींग, व्हाट इज़ ह्यूमन वेलबींग एंड हाउ एथिक्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। तो ये जो क्वेश्चन हैं इसको हम डिवाइड करेंगे, तब जो है हम इसके आंसर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एथिक्स को डिफाइन करते हैं। एथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इन्वॉल्व सिस्टमेटाइजिंग, डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। तो इस तरीके से दोस्तों जो एथिक्स होता है वो ये बताता है हमको कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी किस तरीके से लीड करनी चाहिए और ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये बेसिकली हम एथिक्स के माध्यम से सीखते हैं। अब अगर हम सोशल वेलबींग की बात करें तो सोशल वेलबींग का मतलब ये होता है कि ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जहाँ पे लोग शांति से रह रहे हों, पीसफुली रह रहे हों और जहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करें, ये सोसाइटी अच्छी सोसाइटी मानी जाती है। और इसी तरीके से अगर हम पर्सनल वेलबींग की बात करें तो पर्सनल वेलबींग मतलब कि व्यक्तिगत तौर पर खुश रहना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप खुश हों, हैप्पीनेस आपके अंदर हो, कंटेंटमेंट हो, संतुष्टि हो। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो ये कहा जा सकता है कि आपकी जो है पर्सनल वेलबींग अच्छी है, आप स्वयं से खुश हैं। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि ये तो आपने हमने टर्म्स डिफाइन कर दिए, अब ये जो एथिक्स होता है ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है सोशल वेलबींग और पर्सनल वेलबींग पे। तो देखिए जिस भी सोसाइटी में लोग एथिकल रहते हैं और सारे लोग अगर एक ही एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो बुरा काम कोई करेगा ही नहीं, सारे अच्छे काम करेंगे। और जब लोग बुरे काम नहीं करेंगे तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, क्योंकि एथिक्स बाय डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ है कि जब आप दूसरे के इंटरेस्ट में काम करते हैं, सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम करते हैं, देश के इंटरेस्ट में काम करते हैं तो वो एथिकल होता है, और अगर आप सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं तो वो नॉर्मली अनएथिकल होता है। तो अगर हर व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचेगा, दूसरों के इंटरेस्ट में काम करेगा, तो ऐसी सोसाइटी में कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोसाइटी अच्छी बनेगी। ऐसी सोसाइटी में लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, और इस तरीके से जो है सोसाइटी की ग्रोथ होती है। और ऐसी सोसाइटी में लोग खुश रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, और इस तरीके से पर्सनल ग्रोथ भी उसमें होती है। तो देखिए जब सोसाइटी के अंदर लोग संतुष्ट हैं, लोग जो हैं वो पीसफुल हैं, तो नेचुरली उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी और वो मतलब एक तरीके से उनकी पर्सनल वेलबींग अच्छी होगी। एथिक्स की कुछ और ब्रांचेस हैं जैसे कि बिजनेस एथिक्स है। जो बिजनेस एथिक्स है, अगर लोग सोसाइटी में फॉलो करते हैं, बिजनेसेस फॉलो करते हैं, तो वो अनड्यूली प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, चीज़ों को नॉर्मल रेट पे रखेंगे, इमोरल एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, अनएथिकल बातें नहीं करेंगे। और ऐसे सिचुएशन में देखिए क्या होगा कि वो सोसाइटी की केयर करेंगे, सोसाइटी के बारे में रिस्पॉन्सिबल होंगे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से सोसाइटी की वेलबींग इम्प्रूव होगी। और इसी तरीके से अगर इन्वायरमेंटल एथिक्स जो है उसको लोग फॉलो करते हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बेटर होगा, और जब इन्वायरमेंट बेटर होगा तो सभी लोगों की जो है हेल्थ बेटर होगी, डेवलपमेंट बेटर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों एथिक्स जो है वो सोशल वेलबींग और पर्सनल वेलबींग में कंट्रीब्यूट करता है। अब हम अगले सवाल पे आते हैं जो कि 2015 में पूछा गया था। पब्लिक सर्वेंट्स आर लाइकली टू कन्फ्रंट द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड हाउ डज इट मैनिफेस्ट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। इफ फेस विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन हाउ वुड यू रिजॉल्व इट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए बड़ा लंबा सवाल है ये, इसके अंदर अगर हम देखें तो चार चीज़ें पूछी गई हैं, और याद रखिए कि इसका जवाब आपको बहुत ही कम शब्दों में देना है। पहला सवाल है व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा सवाल है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो पब्लिक सर्वेंट्स की डिसीजन मेकिंग को कैसे अफेक्ट करता है, तीसरा सवाल है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, और चौथा सवाल है कि कुछ एग्जांपल्स के साथ में इस तरीके की सिचुएशंस को एक्सप्लेन करिए। तो दोस्तों ये चारों की चारों चीज़ें जो हैं आपके आंसर में कवर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जो है एक ही चीज़ को लेकर के
उस पर हम सारा आंसर लिख देते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं। तो जब तक आप इन चारों पार्ट का सही सही तरीके से आंसर नहीं करेंगे, तब तक आपको अच्छे नंबर इसमें नहीं मिलेंगे। तो चलिए अब हम इस आंसर को लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन मल्टीपल इंटरेस्ट एंड सर्विंग वन इंटरेस्ट कुड इन्वॉल्व वर्किंग अगेंस्ट अनदर। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट रिलेट टू अ सिचुएशन इन विच द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन माइट एडवर्सली इफेक्ट द बॉडी ओन टू मेक द डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ द थर्ड पार्टी। कहने का मतलब यह है कि अगर जो है हमारे जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं और जो हमारे पब्लिक इंटरेस्ट हैं उनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कि अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं तो पर्सनल इंटरेस्ट हमारा सफ़र करता है, पर्सनल इंटरेस्ट में अगर जाते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र करता है, तो बेसिकली ये जो है ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है। और ऐसी सिचुएशन में देखिए क्या होता है कि हम अक्सर जो है जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होता है उसको हम कैटर करने लगते हैं। अब अगर हम मान लिया कि आपका एक इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं और वहाँ पर आपका किसी बहुत ही क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड को इंटरव्यू देना है, तो नेचुरली एक आपकी टेंडेंसी रहती है कि उसको ज़्यादा नंबर आप दें। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फेयर भी रहते हैं तो भी हमारे खिलाफ़ में एलिगेशन लग सकता है कि आपने फेवर किया है, और ये चीज़ हमें बचना चाहिए। तो हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे बच सकते हैं ये हमें जानने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है हमेशा उसे हमें प्राइवेट इंटरेस्ट के ऊपर रखना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं और हमारा काम है पब्लिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना। तो इसलिए अगर हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट उसमें होता है तो उसको सेकेंडरी प्लेस देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें ये डिस्क्लोज करना चाहिए मैनेजमेंट के सामने, हमारे जो टॉप बॉसेज हैं, कि हाँ भाई हमारा रिलेटिव अपीयर हो रहा है, हमारा लड़का अपीयर हो रहा है, हमारा एक फ्रेंड अपीयर हो रहा है, तो उसके बाद में वो सूटेबल डिसीजन ले सकते हैं। या फिर मान लिया आप सपोज़ करिए कि एक ऐसे बोर्ड में है जो कि आप ही को फाइनल डिसीजन लेना है, तो सिचुएशन में ये बेटर रहेगा कि अपने को आप उस बोर्ड से मुक्त कर लें, रिक्यूज कर लें। आप रिक्वेस्ट कर लें अपने बॉस से कि भाई आपको उस बोर्ड में ना रखा जाए, क्योंकि आपके बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव उसमें अपीयर हो रहा है। तो उस सिचुएशन में या तो जो सुपीरियर होंगे स्वयं उस बोर्ड में आ जाएंगे, या फिर किसी दूसरे आदमी को आपकी जगह अपॉइंट कर देंगे, और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल देना है तो उसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से दे सकते हैं कि मान लिया आप इंटरव्यू बोर्ड के हेड हैं और आपका कोई क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड जो है वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है आपको जो है उस इंटरव्यू बोर्ड से अपने को अलग कर लेना चाहिए, ताकि आपका जो सुपीरियर है वो किसी को दूसरे को अपॉइंट कर दे या स्वयं वहाँ पे आए, और इस तरीके से क्या होगा कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बच जाएंगे। देखिए आप कितने भी फेयर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि वाकई में आपने किसी को फेवर किया है, लेकिन अगर वो मान लिया सेलेक्ट हो गया जो आपका फ्रेंड है रिलेटिव है, तो लोग यही कहेंगे कि आपने उसका फेवर किया है। और ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आपको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है, और इसलिए हमेशा बेटर ये रहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड किया जाए, और ये स्टेप्स हमने इसमें सजेस्ट किए हैं उसको अगर आप लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप अवॉइड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो कि जो एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर का जो टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस उससे संबंधित है। आप जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर अपने शब्दों में लिखें, और अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट सेक्शन में भी आप उसको पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।